Shifting focus to Haldwani in the aftermath of the violent clashes over the encroachment drive there. Curfew has been lifted for the fourth day. Section one forty four has been lifted from the outer areas. Haldwani in Haldwani, meanwhile, it remains in force in the Banpulpura area. On the other hand, internet services have also been restored in other areas except Banpulpura from this morning. For this, uh, the police have taken out door to door search operation in the town and it continues to remain underway. As per sources, WhatsApp group was prepared to spread riots and the planning was made in the same WhatsApp group to carry out the attack on the police. What we're also learning is the fact that days before the Halwani violence, the Nenita local intelligence unit is learned to have flagged the possibility of large scale protests if the demolition drive is carried out. a total of 30 individuals meanwhile remember have been arrested so far the police say government ammunition was also stolen during the attack नहीं मेरी जमीन पर अगर आप आएंगे तो मैं तो बचाव करूंगा सरकार की जमीन कोई घेरेगा तो सरकार तो उसे एडमिनिस्ट्रेशन तो उसको अपना लेना चाहेगा ही चाहेगा उसका तरीका ये थोड़ी है मार काट मचा दोगे बम फेंक दोगे उसके ऊपर मैन हैंडलिंग थोड़ी होगी उसका कानूनी उपचार है अगर आपका है तो कानून में करते लेकिन जो हुआ गलत हुआ मैं फिर कह रहा हूँ कि कानून के बहुत लंबे हाथ हैं कठोरतम सजा ऐसे लोगों को मिलेगी ही मिलेगी और ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा न हों ये भी हमको सुनिश्चित करना चाहिए और मैं ये भी अपील करना चाहता हूं कि इसको और किसी प्रकार का राजनीतिक रंग न दिया जाए हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में हुई हिंसा की जांच लगातार जारी है पिछले 24 घंटे में पुलिस ने 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से सात कंट्री मेड पिस्टल और जिंदा कारतूस जो है वो बरामद किए गए हैं इतना ही नहीं बताया जा रहा है कि जिस दौरान थाने में आग लगाई गई थी उस दौरान थाने से कारतूस जो हैं वो लूटे गए थे पुलिस ने कुछ कारतूस जो हैं वो बरामद भी किए हैं और कुछ की बरामदगी अभी होनी है इतना ही नहीं बताया ये जा रहा है कि गाड़ी में आग लगाने के दौरान जब उपद्रवी गाड़ी में आग लगा रहे थे उस दौरान एक हथियार जो है वो लूटा गया था जिसकी जिसको लेकर फिलहाल पुलिस जो है मामले की तफ्तीश कर रही है और उसे बरामद करने की कवायद पुलिस के द्वारा किया जा रहा है जाहिर तौर पर पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में सभी एंगल पर मामले की तफ्तीश की जा रही है रोहिंग्या एंगल पर भी पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है साथ ही साथ बताया ये जा रहा है कि जो जिस तरीके से इस पूरी हिंसा की स्क्रिप्ट तैयार की गई उसको लेकर फिलहाल पुलिस जो है वो मामले की तफ्तीश कर रही है जो साजिश करता है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कवायद लगातार जारी है और यही वजह है कि फिलहाल पुलिस की दबिश जो है इस पूरे मामले में लगातार जारी है